जिंदगी आप सोच भी नहीं सकते कि मेरी कितनी बेइज्जती हुई वहां पर, और वो 2% का यासिर कुरैशी मेरी बेइज्जती कर रहा था। ये तुम नहीं, तुम्हारा इश्क बोल रहा है। ऐसा है तो ऐसा ही सही, इश्क ही बोल रहा है। जब इश्क बोलता है तो उसे कुछ सुनाई नहीं देता। अम्मी रुक के मैं देखती हूँ, रुक जा रुक जा मैं देखती हूँ। What a nice surprise! Assalam alaikum. अरे सिर्फ चाय? नहीं नहीं खाना भी खाने। खाना भी होगा, हम बस आ गए आंटी की चाय। तुम लोग आती नहीं हो, आंटी कितनी अच्छी है आप। तुम लोग अंदर चलो, नहीं तुम लोग अंदर चलो, मैं चाय बनाती हूँ। चलो चलो अंदर बैठो चल के, अम्मी हम बना लेंगे। हाँ, मैं बनाती हूँ ना बेटा, बेटियों के लिए चाय बनाना मुझे अच्छा लगता है। इनको बिठाओ अंदर, मैं बिठा रही हूँ। कपड़े डालो। मैंने पहले ही कहा था एक नंबर का फ्लर्ट है ये शकील, लेकिन तब तुम पे कोई असर ही नहीं था। मैडम के सर पे इश्क का भूत जो सवार था, अब नीचे क्या देख रही हो? देखो हमारी तरफ। सर झुकने से पहले नजरें झुका लेती तो कोई फायदा भी होता। वो ही कहता था मुझसे, प्यार करता है वो मुझसे, कुछ भी करेगा मेरे लिए। मैं नहीं जानती थी ये सब चाल है उसकी, ये सब धोखा है उसका। अल्लाह, सब लड़के यही कहते हैं। कोई अपने मुंह से आकर थोड़ी बताएगा कि वो कितना। तुम्हें अल्लाह ने दिमाग और आंखें दी है ना कि तुम उन्हें इस्तेमाल करो। अच्छा अच्छा यार, अब इन सब बातों का क्या फायदा, हम मिलके कोई मसले का हल निकालते हैं। तो क्या करें? क्या कह रहा है वो? ब्लैकमेल कह रहा है वो मुझे, कह रहा है नहीं मिलने के लिए आओगी तो तुम्हारी पिक्चर्स पोस्ट कर दूंगा। पिक्चर्स? कैसी पिक्चर्स? ऐसी क्या पिक्चर्स हैं जो तुम ब्लैकमेल हो रही हो? ऐसी वैसी कोई पिक्चर्स नहीं है, बस किचन में काम करते हुए, बस में और कुछ यूनिवर्सिटी की। वो ही कहता था मुझे, जो भी काम कर रही हो बस पिक्चर लेके मुझे भेज दो। और तुमने इतनी बड़ी हिमाकत करने से पहले एक दफा भी नहीं सोचा? वेरी गुड। मैं क्या करूँ, अगर भाई को पता चल जाएगा तो मुझे मार देंगे। अच्छा अच्छा रिलैक्स, हम हैं ना, कोई हल निकाल लेंगे। मुझे नंबर दो शकील का। नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत सा कब्जा ग्रुप और किराए के कातिल दोस्त हैं उसके, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मुनीबा डरना बंद करो, मुझे नंबर दो उसका, देख लेंगे हम उसको। नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। यार समझाओ इसको। इख्तियार बहुत बेवफा लफ्ज है। कब आप बा इख्तियार से बे इख्तियार हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। आप चीजों को कितनी ही मजबूती से पकड़े हैं, वक्त आने पर आपकी गिरफ्त से निकल ही जाती है। कुदरत भी अजीब है, कैसे एक के बाद एक इनायत करती है। कद बढ़ता है, हुस्न बढ़ता है, अक्ल बढ़ती है, ताकत बढ़ती है, इख्तियार बढ़ता है, और फिर वही कुदरत एक एक करके ये सब इनायतें वापस लेने लगती है। वक्त के साथ कितने खूबसूरत रिश्ते मिलते हैं और फिर देखते ही देखते वो भी बदल जाते हैं। खैर, रिश्तों के बदलने का क्या रोना, वक्त तो आपकी अपनी शक्ल बदल देता है। रिश्ते क्या है? सारा कसूर ही तेरा, अंकल का अच्छा खासा बिजनेस है और तू है कि तुझे नखरे सूझ रहे। बंद कर यार ये ड्रामा, बस कल से अंकल के ऑफिस जा और भाई को भी फिट करवा यार।
कसम से मेरे में तो अब हिम्मत नहीं है जॉब ढूंढने की। पागल ना बन, खुद पर भरोसा कर यार। देख आज सहारा ढूंढेगा तो सारी जिंदगी सहारों के सहारे जिएगा। हमें खुद पर एतमाद होना चाहिए, ऐसे क्या बस एक नौकरी के लिए। यार छोड़, अभी इसको मुझे बहुत नींद आ रही है, तू बहुत बकवास कर रहा है, मुझे सोने दे। ओके अल्लाह हाफिज़। ओके बाय। आ जाए। क्या हुआ, सब ठीक है? आओ बैठो। क्या हुआ, ठीक हो? तुम जानते हो ना तुम मेरे लिए कितने स्पेशल, कितने इंपॉर्टेंट हो। मेरा छोटा भाई, मेरा बचपन से लेके आज तक का क्राइम पार्टनर, मेरा दोस्त, मेरा गुरु, सब तुम हो। ना कुछ नहीं छीनो मुझसे, मैं यही हूं, कुछ नहीं छीन रहा तुमसे। तुम पानी पियो। और कैसे छीनोगे, मैंने हमेशा तुम्हारा अच्छा चाहा, तुम पर मेहनत की, तुम्हें परफेक्ट बनाने की कोशिश की, और तुम मुझे अपना दुश्मन समझते हो, नफरत करते हो मुझसे। क्या मैं ये डिजर्व करती हूं? ऐसा कुछ नहीं है मेराल, तुम गलत सोच रही हो। ऐसा ही है, मेरी मर्जी के बगैर तुम एक कदम नहीं उठाते थे, और अब मेरी बात सुनना भी गवारा नहीं है ना तुम्हें। तुमने मुझसे मेरे सारे हक छीन लिए, हसन तुम अनायक को भूल जाओ, वो ये सब कुछ मेरी दुश्मनी में कर रही है, मुझे हराना चाहती है, उस थप्पड़ का बदला ले रही है वो। निहाल ये सब तुम्हारा वहम है, वो ऐसा कुछ नहीं कर रही, तुम अपनी सोच को ठीक करो। अच्छा अब तुम मुझे सिखाओगे दो टके की सोशल क्लाइमेट से सीख कर आकर मुझे सिखाओगे तुम? हाँ ठीक है, मैं भी देखती हूँ सब कुछ कैसे होता है। मैं ये होने नहीं दूंगी आज। हेलो जी, कौन? हेलो, सादिया से बात हो सकती है? सादिया सॉरी, ये शकील अवान का नंबर है। ओह आई एम सो सॉरी, शायद गलती से आपका नंबर डायल कर लिया। मुझे तुम्हारी औकात का अंदाजा था। हेलो। हेलो जी, मैंने ये पूछना था कि सादिया से बात हो गई? नहीं, उनका नंबर तो नहीं मिला, ढूंढ रही हूँ, लेकिन आप मेरा नंबर डिलीट कर दें, मैंने गलती से कॉल कर ली थी।
ना ना ना, इसको गलती तो ना कहें, ये तो महज एक इत्तेफाक है, बल्कि हम चाहें तो इसको हसीन इत्तेफाक भी बना सकते हैं। लगता है मेरी दुआ कबूल हो गई। क्या है तेरी दुआ? मेरी दुआ तेरे लिए नहीं है, बल्कि उसके लिए है जिसने तेरा ये हाल कर दिया। अल्लाह करे उसकी शादी किसी अपनी फूफी या खाला के बेटे से हो जाए, जान छूटे बला से। भाई तुम लोगों को प्रॉब्लम क्या है नया से? जिससे देखो उसके पीछे पड़ा हुआ है, क्या बिगाड़ा उसने? अपनी हालत पे गौर कर हसन, जवाब तुझे खुद ही मिल जाएगा। उसे देख लूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। भाई साहब कैसे देखेंगे आप? कोई अता पता कुछ है आपके पास? मिल जाएगा पता, चाक और राह मिल ही जाती है। वाह वाह, शायर भी बन गए आप तो। आवारा नाकारा तो पहले ही थे, पता नहीं सनाया के चक्कर में और क्या क्या बनेंगे आप। देख आतिफ, एक बात कान खोल कर सुन ले, मैं हर हाल में आना है शादी करूँ, वो मेरी इज्जत है, और अगर तू उसकी इज्जत नहीं कर सकता ना, तो मेरी जिंदगी में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। मतलब के दोस्त की कोई जगह नहीं? बचपन के दोस्त की तेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है? यही तो तुझे समझा रहा हूँ यार, मेरे बचपन का दोस्त है, मेरे फैसले का एहतराम करना तेरा फर्ज है। बचपन के दोस्त होने के नाते तुझे समझाना भी मेरा फर्ज है। तू मेरे सामने अंधे कुएं में छलांग लगा दे और मैं बैठकर तालियां बजाऊंगा क्या? गौर से सुन ले हसन, मैं तुझे किसी सी या डी ग्रेड लड़की से शादी बिल्कुल बस अनाया के खिलाफ एक लफ्ज और नहीं बोलना। दिखती नहीं आ रहा कि वो इतना अनाया, बेटा दरवाजा खोलो। आंटी, आंटी आप इतना कुछ उठा के ले आई हैं, मुझे बता देती, हमें बता देती। अरे बेटा तुम लोगों का घर है, घर है तो हम भी तो काम कर सकते हैं ना। आप भी कहती होंगी रोज मुंह उठाकर आ जाती हैं और काम भी नहीं करने देती। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं, आखिर तुम लोगों की थोड़ी सी खिदमत भी तो करनी है ना। असल में ना हम आजकल जॉब ढूंढ रहे हैं ना, तो इसलिए हम उसकी प्लानिंग के लिए रोज इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन इतना तकल्लुफ मुझे लग रहा है मुश्किल हो जाएगा हमारा जॉब ढूंढना। मेरी मानो, नौकरी मत ढूंढो, बस शादी कर लो और सुकून से रहो। तौबा अम्मी, अम्मी का बस चले ना दुनिया की सारी लड़कियों की शादी करवा दे, हमें क्या जरूरत है जॉब ढूंढने की। एक काम करते, जब हमारी डिग्री आएगी तो उसका अचार डाल लेंगे और डिग्री का अचार बना के समोसे के साथ खाएंगे। हर वक्त मजाक किया करो। अच्छा देखो, मजाक मजाक में ना शादी की उम्र गुजर जाएगी, तुम लोग तीनों इसकी कोई बात ना सुनना। सही आंटी। कोई अच्छा सा बर मिले तो फौरन हाँ कह देना, समझ आई? अम्मी यार मैं जरा जा रही हूँ, किचन में काम है। मैं आपकी हेल्प करा देती हूँ। नहीं नहीं, तुम लोग बैठो, खाओ पियो, एंजॉय करो, नौकरी ढूंढो ढूंढो। अब बताओ क्या मैसेजेस आए? वही घर आने की धमकियां। बात कर चुकी हूँ, मिन्नतें कर चुकी हूँ, लेकिन नहीं, वो है कि बस अपनी जलालत पे अड़ा हुआ है। मैं कल इससे मिलने जा रही हूँ, इसको तो मैं देख लूंगी। क्या
तुम कल उससे मिलने जाओगे? नहीं, तुम्हें मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। बहुत घटिया आदमी है वो। एक सेकंड, मैं अकेले नहीं जा रही हूँ, तुम तीनों मेरे साथ चल रहे हो। मेरा पूरा प्लान तो सुनो। अच्छा पहले मुझे ये तो बताओ, तुम्हारी उससे बात क्या हुई है? कुछ नहीं, क्यूट बन रहा था। घटिया मर्दों की आदत होती है, लड़की के सामने इतने क्यूट बन जाते हैं जितने बचपन में भी नहीं होते। तफा करो उसे, मेरा प्लान सुनो, तुम तीनों चलोगे मेरे साथ। तुम दोनों कुछ तो बोलो, इस तरह चुप रहने से कभी किसी के मसले का हल निकला है? अच्छा इसे छोड़ो, तुम बताओ। मैं क्या बोलूं, कुछ भी बोलने से पहले सोच में पड़ जाता हूँ। देख रही हो तुम इसे? देख लो, इस कदर कंफ्यूज इंसान है ये, इसे बात करूं तो आखिर क्या बात करूंगा? मैं कंफ्यूज तुम्हारी वजह से, मीरा। कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है मुझे, तो मैं अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। चाहता हूँ कि तुमसे बात नहीं करूँ, हर बार नाकाम रहते हो। नाकाम ही हो तुम, तुम्हारे इस लूजर्स वाले बिहेवियर से मुझे नफरत है। तुमसे बात कर रही हूँ मैं, मेरी तरफ देखो। काम डाउन मिराल, देखो लोग देख रहे हैं। अच्छा कुछ ऑर्डर करते हैं। मैं कुछ खाने के लिए नहीं आई, उसको मुझसे बात करनी है ना, उसे कहो बात करे, मैं यहाँ बैठी हूँ बात करूँ। तुम अभी भी अपना रवैया देख रही हो ना, प्लीज़। मेरा रवैया हमेशा से ऐसा ही है, तुम ही मेरे पीछे तुम हिला के फिरते रहते थे, मैं हमेशा से ऐसी हूँ, अब क्या हुआ है? हाँ अच्छा गाइस लीव दिस टॉप, चिल करो यार। ऐसा करते हैं कुछ अच्छा सा ऑर्डर करते हैं फिर बातें करेंगे, और तुम इतनी देर में ये ट्राई करो, दिमाग को ठंडा करो। देखिए मेराल जी, मेरे ख्याल से मुझे हसन के मामले में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, इस तरह उसके मेरे ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। बच्चों वाली बातें नहीं करो, तुम्हें कुछ भी करके हसन के आस पास रहना है, तुम उसके वाहिद दोस्त हो, तुम उसे किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ सकते। लेकिन मेराल जी मैं लेकिन कुछ नहीं, तुम्हें हसन के हर मूव की खबर मुझे देनी है, और ये तुम्हें तुम्हारी बड़ी बहन का ऑर्डर है। जी ओके। भाई अल्लाह ही बचाए ऐसी बड़ी बहनों से, अजाब ही सर पड़ गया मेरे तो। हेलो कहाँ हो तुम लोग? हाँ नाया, हम लोग फातिमा जिना पार्क में ही हैं, वेट कर रहे हैं। बस मैं भी F9 पार्क पहुँच रही हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो, जब तक कोई बड़ी बात ना हो तुम तीनों सामने मत आना। ओके डन डन, बस अल्लाह हमारी मदद करे, हम वेट कर रहे हैं। कह रही है कि वो रास्ते में वो आ रही है, हम उसका वेट करें। रिलैक्स हो जाओ, हम लोग चल के वहीं छुपते जहाँ पे हमने डिसाइड किया था, क्योंकि वो कह रही है जब तक कुछ बड़ा मसला ना हो बाहर नहीं आना। चलो ठीक है। वैसे जब से मोबाइल टैक्सी सर्विस आई है जिंदगी आसान हो गई यार। लोकेशन भेजो, गाड़ी हाजिर, अलादीन का चिराग है फोन। तुझ जैसे बदकिस्मत भी कोई हो, तेरे तो नौकरों तक के पास गाड़ी है। अच्छा तेरे पास तो नहीं? ओए अनाया भाईजान, गाड़ी मोड़े प्लीज, गाड़ी मोड़े, यू टर्न ले, उस गाड़ी को फॉलो करना है जो पीछे भी गई है। नहीं नहीं भाई सीधा चलें आप। चुप कर यार, आप फॉलो करें, आप जाएं उसके पीछे। भाईजान आप सीधा चलें, हम किसी के पीछे नहीं जा रहे हैं। ले आगे से यू टर्न ले, तू चुप कर, तुझे नहीं जाना ना। नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तुझे निकालता हूं मैं गाड़ी से, यू टर्न ले यहां से। मैं कहीं नहीं जा रहा सर। कैसे नहीं जाएगा, अनाया के पीछे जाना है, यू टर्न ले यहां से प्लीज। अनाया भाई ये आगे टैक्सी के सामने रोके जरा, इधर ये रोके यहां पे। यार भाई तू उधर, तू उधर, तू निकल, यहाँ पे रोक दे, बस यहाँ पे रोक दे, रोक दे रोक दे, यहाँ पे रोक दे, आउट। क्या क्या भाईजान निकल जाओ, मुझे जल्दी बात तो सुन। अनाया है भाई, अनाया चले भाई तेज तेज।
तेज है, उसी गाड़ी को फॉलो कीजिए प्लीज। थोड़ा तेज चला लोगे भाई प्लीज। शकील, वेलकम वेलकम। आप तो उससे कहीं ज्यादा हसीन है जैसा मैंने सोचा था। आए बैठे। जिन लोगों की तारीफों के पीछे घटिया मकासद हो, मैं उनको जवाब नहीं देती। समझा नहीं? फिक्र ना करो, मैं तुम्हें सब समझा कर जाऊंगी। पहले तो मुझे ये बताओ कि मुनीबा के साथ ड्रामे कब बंद करोगे? अच्छा, तो तुम मुनीबा की वकील बनकर यहाँ आई हो? नहीं, मैं तुम्हें वार्निंग देने आई कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करूंगी। ठीक है, छोड़ देता हूँ उसे, लेकिन पहले उसको मेरे मुतालबात पूरे करने पड़ेंगे। और मेरे पास भी कोई इतना टाइम नहीं है कि मैं उस पर जाया करता रहूं। तो दुनिया में और भी हसीन लोग हैं जिन्हें हमारे वक्त की जरूरत है। तो तुम शराफत से नहीं मानोगे? मैं किसी तरह भी नहीं मानूंगा, क्योंकि दुनिया में कोई लड़की ऐसी पैदा नहीं हुई जो हमारा हुक्म ना माने। और उसकी तो शहरग मेरे हाथ में है, उसे मेरा हुक्म मानना ही पड़ेगा। तुम्हारा कन्फेशन मैंने इस फोन में रिकॉर्ड कर लिया है, थैंक यू। अब मुझे ये बताओ कि मुनीबा की जान छोड़ोगे या मैं पुलिस को बुलाऊं? तुम कितनी मासूम हो। छोड़ दी उसकी जान, लेकिन मुझे उसकी जगह तुम चाहिए, क्योंकि तुम उससे मुझे कई ज्यादा हसीन लगती है। अब चलो मेरे साथ, हम चल कर। मुनीबा, फातिमा, मारो उसको। सर छोड़ो उसे। क्यों छोड़े? मारो उसको। हसन, तुम ठीक हो? खून निकल रहा है, क्या क्या करें? दिमाग खराब है, तुम उसके पीछे क्यों भाग रही थी? फातिमा, इसकी चोट पे कुछ रखो, बहुत खून बह रहा है। कौन था ये? हॉस्पिटल पहुंच के सब बताती हूँ, मुझे हॉस्पिटल का रास्ता फिगर आउट करना। अभी बताओ, बताओ वरना मैं उतर जाऊंगा। हसन, हसन, शकील है वो, हम दोनों रिलेशनशिप में थे, वो काफी टाइम से मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था, और अनाया तो बस मेरी हेल्प के लिए उसके पास गई थी। बाकी जो सब कुछ है वो सब आपके सामने। यार इसकी चोट पे कुछ रखो। रख है, कपड़ा रखो। प्लीज ये रखे। तुम समझती क्या अपने आप को? बहुत बहादुर हो तुम। वो आदमी तुम्हें अपने साथ ले जाता या तुम्हें कुछ हो जाता, तुम्हारी फैमिली पर क्या गुजरती? सोचा है तुमने? मैंने सोचा था, लेकिन मुझे मुनीबा की मदद करने के लिए और कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ बेटा? गोली लगी है, ग्राउंड मैंने साफ कर दिया है, पेशेंट डेंजर में नहीं है, आप एक नजर देखते हैं। देखें, ये तो गोली का जख्म है। आई एम सॉरी कि पुलिस केस है, और पुलिस को इतला किए बगैर मैं इनका ट्रीटमेंट नहीं कर सकूंगा। सर आपको अंदाजा नहीं है, बहुत खून बह चुका है, हम पुलिस का इंतजार नहीं कर सकते, बहुत देर हो जाएगी।
देखें बेटा, हर चीज का एक प्रोसीजर होता है। मैं डॉक्टर हूँ, कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। आप ऐसा करें, पुलिस को कॉल करें ताकि मैं इनका इलाज कर सकूं। थैंक यू सर। सर प्लीज सर, आप किसी पेशेंट को ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हो? उसका बहुत खून बह चुका है। देखें बेटा, मुझे क्या पता इनको गोली कैसे लगी है। ये कोई तकरीब कार भी हो सकते हैं, डाकू भी हो सकते हैं। देखो, मैं इनका इलाज करके अपने क्लिनिक को ताला तो नहीं लगवा सकता ना। सर हसन कोई डाकू या तकरीब कार नहीं है सर, हम स्टूडेंट्स हैं। किसी की इज्जत बचाते हुए उसने गोली खाई है। सर प्लीज आप हमारी मदद करें। आप पुलिस को बुलाएंगे, मीडिया आएगा, किसी की इज्जत का सवाल है सर। सर आपकी भी बेटी होगी, प्लीज आप हमारी मदद करें प्लीज सर। हाथों में मेरे फाइनली मैं हूँ। आज कितनी अच्छी लग रही थी ना तुम, बस ऐसे ही हंसती रहा करो। ये लो खाओ। कौसर, कौसर क्या हुआ मेरा? कौसर क्या हो गया, क्यों इतना चिल्ला रही हो? ये तस्वीर यहाँ किसने लगवाई है? हाँ मैंने लगाई है। अम्मा के आसपास होने का एहसास दिलाती है, और ये एहसास भी दिलाती रहेगी कि अब ये दुनिया में नहीं है। क्या जरूरत थी इसको यहाँ लगाने की? अम्मा हमको भूलने की कोशिश करनी चाहिए, मगर आपको कौन समझाए? मैं तुम्हारी माँ हूँ, पर साथ साथ एक इंसान भी हूँ। मेरी भी कोई फीलिंग्स हैं। क्या मैं अपने घर में अपनी मर्जी से एक तस्वीर भी नहीं लगा सकती? आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। बात बात पे अपनी आंखों में आंसू ले आती हैं आप। क्या बात करूँ मैं आपसे? मेरा हाल क्या? फिक्र नहीं करें, मैं इसे देखती हूँ। थैंक यू सो मच सर, आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। शुक्रिया ऊपर वाले का अदा करें जिन्होंने इनको बड़ी मुसीबत से बचा लिया। गोली इनके बाजू को छू कर गुजर गई, अगर हड्डी में लग जाती तो ये माजूर भी हो सकते थे। शुक्र अल्लाह का। डॉक्टर साहब अब हम जा सकते हैं? जी बेटा आप बिल्कुल जा सकते हैं। ये मेडिसिन मैंने लिख दी हैं, ये वक्त पर ले लीजिएगा ताकि आपका जख्म जो है वो जल्दी हील हो जाए। थैंक यू। थैंक यू सर। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। छोड़ो, ठीक हो? ये नहीं उतारो हसन, क्या हो गया? क्या जरूरत है इसकी, यहाँ पे वुंड है, कुछ नहीं, यूज़लेस है। देखा, ठीक है ठीक है। अनाया, हाँ अनाया, हम ऐसा करते हैं, हम कैब करते हैं, हमारे रूट्स भी अलग हैं, तुम इसे ड्रॉप कर दो, बहुत लेट हो गया। ओके, बाय बाय, टेंशन ना लेना। हाँ हमें बाय। थैंक यू सो मच हसन, आज अगर आप नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। अल्लाह ने किसी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। आज पहली बार मैंने खुद को बहुत कमजोर महसूस किया। मुझे अल्लाह पर भरोसा है, जब भी आप किसी मुश्किल में होंगी ऊपर वाला मुझे भेज देगा। आप अपने आप को फरिश्ता कह रहे हैं? नहीं हरगिज नहीं, और मैं फरिश्ता बनना भी नहीं चाहता, इंसान बनकर आपके आसपास रहना चाहता हूँ। आपने मेरे प्रपोजल पर गौर किया? हसन मुझे लगता है कि अभी हम दोनों शौक में हैं, ये वक्त मुनासिब नहीं है इन बातों के लिए। मैं तो किसी शौक में नहीं हूँ। हाँ वो शौक लगा था जब आपको उस आदमी के साथ देखा था, मैं तो कुछ और ही समझ बैठा। क्या समझे? यही कि आप उससे मिलने गई थी, मेरा तो चचा दिल बंद हो गया था। रिलैक्स, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ और मुझे सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
क्या नाम बताया था? शकील। पता नहीं अगली हरकत क्या करेगा। क्या करेगा क्या मतलब? कुछ नहीं करेगा। मेरे होते हुए आपको कोई खतरा नहीं, उसे भी देख लूंगा। उफ हसन प्लीज, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू गो होम एंड रेस्ट। प्रपोजल वाली बात तो बीच में ही रहेगी। अस्सलामुअलैकुम अम्मी। हाय अल्लाह, कहाँ हो तुम? दोपहर से फोन कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रही। अम्मी मैं बस 15 मिनट में आ रही हूँ। तुम्हें कोई एहसास भी है कि मैं और तुम्हारे अब्बा कितने परेशान हैं? तुम्हारे अब्बा शाम से गली में खड़े हैं। सॉरी अम्मी, मुझे पता है मैं लेट हो गई हूँ, मैं बस अभी पहुँच रही हूँ। आप फोन रखेंगी और मैं घर पे होंगी। अम्मी और बाबा परेशान हो गया, लेट हो गई ना आज, बस अब जल्दी जल्दी घर। तुम मिराल की बातों को दिल पे मत लिया करो, तुम्हें उसकी आदत का पता है, बच्चे इसी तरह करते हैं। मिराल अब बच्ची नहीं रही, उसे हर बात में मसला होता है। ये सब आप ही का कसूर है। मैं कहती थी कि उसे ना सुनने की आदत होनी चाहिए। तुम्हें तो हर चीज में मेरा कसूर नजर आता है। ये भी तो हो सकता है कि वो बीजी की तस्वीर देख के दुखी हो, बात उसकी भी गलत नहीं है। गम को भुलाने की कोशिश करनी चाहिए, और जब तक ये तस्वीर यहां पे है, बीजी हर वक्त हमारे जहन में रहेंगी। मैं अपनी अम्मा को नहीं भुला सकती। मेरी बात सुन लें आप, मैंने आज तक कभी कोई फरमाइश नहीं की, कोई हुक्म सादर नहीं किया, मगर मेरी मां की ये तस्वीर यहां से कोई नहीं उतारेगा। हसन, बेटा ये क्या हुआ है, कैसे हुआ ये? क्या हुआ हसन? बेटा? ये क्या हुआ, किसी ने मारा है क्या? कुछ नहीं मामा, वो मैं रोड क्रॉस कर रहा था तो गाड़ी से टकरा गया। या अल्लाह खैर। इसीलिए तो मैं बकवास करता हूं, लेकिन तुम्हें हीरो बनने का शौक है। 10 गाड़ियां खड़ी हैं घर में, लेकिन तुम आवारा लफंगों की तरह सड़के नापते हो। डर, हादसा तो अपनी गाड़ी में भी हो सकता है। हर चीज का जवाब है इस लड़के के पास। अच्छा, मजबूर कर दिया इसने। इस वक्त तो मत डांटे ना, देखिए तो उसकी कितनी चोट लगी हुई है। बेटा और कहीं तो नहीं चोट लगी? नहीं नहीं ठीक हूँ। अरे आओ, आओ यहाँ बैठ जाओ आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दम निकाल दिया, क्या हो गया बेटा, कहाँ रह गए थे? हाय अनाया, खैर हो? ये क्या है? अम्मी वो अब्बा मेरी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया था, शायद वहीं पे उनको हॉस्पिटल लेके गई थी, इसलिए देर हो गई। वो ठीक है? जी, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, फिक्र ना करें आप, मैं कपड़े बदल के आती हूँ। शुक्र है तुम ठीक हो, ना परेशान हो। अल्लाह खैर। इसीलिए कहता हूँ ड्राइवर रख लो। खैरियत से आ तो गई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अल्लाह पर भरोसा है, जब भी आप किसी मुश्किल में होंगी, ऊपर वाला मुझे भेज देगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक और बहुत खुश। घर वालों को क्या बताया? वही जो हमने डिसाइड किया था। क्या कहा उन्होंने? बाबा ने तो देखते ही इतनी बातें। अरे अपने मुंह से अपनी बेइज्जती बताएगा, पागल है क्या? हेलो, आप कुछ कह रहे थे, समझ नहीं आई। हाँ मैं कह रहा था कि बाबा ने तो देखते ही गले लगा लिया, बहुत परेशान हूँ। बहुत प्यार किया, आधा घंटा गले से लगा कर रखा, छोड़ ही नहीं रहे थे। आपको तो बहुत डांट पड़ी होगी ना?
नहीं, उनका गुस्सा फौरन ठंडा हो गया जब मैंने उन्हें बताया कि कोई मेरी गाड़ी से टकरा गया था। अच्छा आइडिया था हमारा। हम दोनों साथ में जो भी करेंगे अच्छा ही होगा। असल में मेराल के बारे में सोच रही थी, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। तुम्हारा फैसला सुनेगी तो तुमने मुझे तुम कहा। आप बोल के ना मेरी जुबान थक गई थी। अच्छा सुनो, मुझे तुम अच्छी लगती हो, इतना काफी है। तुम्हारी शादी मुझसे होगी, मिराल से नहीं। फिर भी ऐसा, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हारी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो। तुम मिराल की फिक्र ना करो नाया, वो अच्छी है। हाँ उसका गुस्सा थोड़ा तेज है, लेकिन मैं उसे मना लूंगा। छोटा भाई हूँ उसका। वो बहुत प्यार करती है मुझसे और मुझसे जुड़ी हर चीज से। अगर मुझे लगा कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी मुश्किल हो रही है तो मैं पीछे हट जाऊंगी। अब मेरी जिंदगी एक ही सूरत में मुश्किल हो सकती है, तुम्हारे पीछे हटने की सूरत में। आई लव यू अनाया। मामा आ रही है, मैं बाद में फोन करती हूँ। भाग गई।